और ये सब क्यों कर रहे हैं आंटी? सारी बातें भूल गया। उसने तो कहा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, तो फिर ये सब क्या है? देखो बेटा, जब किसी इंसान का दिल दुखता है ना, तो वो इसी तरह बददिल हो जाता है जिंदगी से। उसे सब कुछ बेरंग और फीका लगने लगता है। मैं मानती हूँ कि डैड ने उसका दिल दुखाया है, वो ये डिजर्व नहीं करता था। आंटी, मैं उनकी तरफ से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मुझे मौका तो दे। वो तो मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। बेटा, मैं उसे बहुत समझाती हूँ, पर पता नहीं किस बात से उसका इतना दिल दुख गया है कि वो तुमसे मिलने को भी तैयार नहीं। लेकिन आप उसको मेरा मैसेज जरूर दीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बगैर नहीं रह सकती। बिल्कुल नहीं। तुम्हें वाकई में कोई अफसोस नहीं है कि किस तरह जुनैरा ने तुम्हारे लिए अपनी जान लेने की कोशिश की? डैड, ये बातें हम घर पे भी डिस्कस कर सकते हैं। कौन है ये मलाइका? क्या बैकग्राउंड है इसका? कैसे जानते हो तुम उसे? ये हमारे किसी दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है? डैड, आप इन बातों को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? वो एक नॉर्मल सी लड़की है, मासूम सी, और कुछ नहीं। एक गैर लड़की की इतनी वकालत, और वो लड़की जो तरफ तरफ के तुम्हारी मोहब्बत में जान दे रही है, उसका क्या है? मैं उसकी मोहब्बत को नहीं जानता, और ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। डैड, डोंट यू थिंक कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है? वो ये है कि आपका बिजनेस तबाही की तरफ जा रहा है, और एक वाहिद शख्स जो इस बिजनेस को बचा सकता था, उसको आपने जॉब से निकाल दिया, फैसल। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को किसी ऐसे शख्स के हवाले कर दूँ जिसका मुस्तकबिल अंधेरे में हो? ऐसा नहीं है डैड, आप गलत समझ रहे हैं। फैसल के बारे में जानते हैं आप कुछ? उसे एक छोटी सी कंपनी को कहां से कहां ले जाके खड़ा करते। कौन जानता था शाइन एंटरप्राइज? आप जानते थे पाकिस्तान? आज यूरोप, मिडल ईस्ट, सब जगह फेमस है। किसकी वजह से? फैसल की वजह से। मैं क्यों जानना चाहूंगा उसके बारे में जब मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं? सही कहा आपने, क्यों इंटरेस्ट होगा आपको? आपको तो इंटरेस्ट होगा नूर आंटी की फैमिली में। अरे, एक तरफ आपकी औलादें हैं, दूसरी तरफ नूर आंटी। एंड आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि आप किन्हें चूज करें।